हे गाइस, गरिमा द सैड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि फेस्टिव सीज़न चल रहा है, अब आने वाली है करवा चौथ। तो मैंने सोचा कि करवा चौथ के लिए एक पूजा की थाली प्रिपेयर की जाए और आप सबके साथ शेयर किया जाए कि हम कितना इजीली इतनी खूबसूरत प्लेट अपने घर में रेडी कर सकते हैं पूजा के लिए, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। वैसे मार्केट में ये सब चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती हैं आजकल और काफ़ी सुंदर सुंदर मिल रही हैं, बट अपने हाथ से किसी चीज़ को बनाने का क्रेज़ थोड़ा अलग होता है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने अपने हाथ से प्रिपेयर करना ही ज़रूरी समझा। आप लोग अगर चाहें तो अपने हाथ से प्रिपेयर कर सकते हैं, इससे आपको डेफिनेटली कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे, तो आप भी इसे यूज़ कीजिए। और ये बहुत ही अफोर्डेबल है, आपको ईजिली ये सब सामान मार्केट में मिल जाएगा। और अगर आपके पास इस तरीके का सामान घर में है या इससे मिलता जुलता जो हम डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं, तो भी आप वो चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये थाली सिर्फ हम करवा चौथ पे यूज़ कर सकते हैं, हम किसी भी पूजा पे, इवन हम दिवाली पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे चलनी और जो जैसे हम जल देते हैं वो सब, और मैंने यहाँ पे दीपक भी रेडी किया है। इवन मैंने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हम पूजा में यूज़ करते हैं वो हम मैंने सारी डेकोरेट करके दिखाई हैं, तो आप भी इसको देखिए। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आप मेरे आने वाले सारे वीडियो से नोटिफाई रहें। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। और भी मैंने वीडियो शेयर की हैं करवा चौथ दिवाली के मेकअप लुक, अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से जाके देख लीजिए वरना आप कहीं मिस ना कर दें। उनका भी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करिए, थैंक यू। चलिए देखते हैं हम ये कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं।